असलम फ्रेंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल नेम इज़ जमीर अली उम्मीद करता हूँ आप सब कैरियर से होंगे लास्ट सेशन में जो हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से हम टॉस शो कर सकते हैं टॉस जनरेट कर सकते हैं ऑन दी बटन के लिए और उस टॉस में हमने जो है एक डायनामिक वैल्यू सेट की थी डायनामिक वैल्यू वो थी जो हम मीनस के जो यूज़र एडिट टैक्स में वैल्यू दे रहा था वो एडिट टैक्स की वैल्यू हम गेट करके टॉस में शो कर रहे थे तो वो स्टेटिक वैल्यू नहीं थी यूजर जो भी चाहे दे, तो वो टॉस में जनरेट हो रही थी इस सेशन में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं तो यहाँ पे कुछ मैंने ऑब्जेक्टिव हाईलाइट किए हैं हाउ चेंज बैकग्राउंड कलर ऑफ एडिट टैक्स के किस तरह से हम एडिट टैक्स का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं हाउ चेंज बैकग्राउंड कलर ऑफ बटन बटन का किस तरह से बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं उसके बाद क्रिएट काउंटर ऑन बटन प्रेस कि हम इस सेशन में एक काउंटर क्रिएट करेंगे जब बटन पे प्रेस करेंगे तो वो काउंट करता जाएगा कि आपने इतनी दफ़ा इस बटन को प्रेस किया है मीन्स के वन बाय वन का वो इंक्रीमेंट करता जाएगा बेसिक चीज़ है लेकिन यही चीज़ें जो है ना जब हम सीखेंगे तो आगे जो है वो ईजी हो जाएगा उसके बाद एक और बटन हम बनाएंगे एक ही एक्टिविटी में ये सब होगा और उस बटन पे हम क्या करेंगे रीसेट रखेंगे मीन्स के जब काउंटर चलते जा रहे हैं बटन को प्रेस करता जा रहा हूं और एक बटन होगा रीसेट का जब मैं उस पर प्रेस करूंगा तो वो क्या करेगा वो जितना भी काउंटर है उनको रीसेट कर देगा मीन्स के ज़ीरो कर देगा तो आज के सेशन में ये हम सीखेंगे तो आ जाते अपनी आईडी पे ये लास्ट टाइम हमने काम किया था कि उनका बैकग्राउंड वगैरह एक्टिविटी का चेंज करना और उसके बाद यहाँ पे बटन पे क्लिक करके एक जनरेट कर रहे थे इस कोड को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ अब आप सोच रहे होंगे कि यार इसको डिलीट करने की क्या ज़रूरत है यहाँ पे एक बटन बनाकर और हम वो काम कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं लेकिन बात आती है कि बार बार जब हम कोड करेंगे तो वो अंडरस्टूड हो जाए मीन के बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और हम हैबिचुअल बन जाएंगे कोडिंग के तो यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ इसका मैंने बैकग्राउंड भी डिलीट करना है सिंपल ये एक्टिविटी है अब इस एक्टिविटी पे मैंने सबसे पहले तो एडिट टैक्स फील बनानी है और टैक्स फील पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ उनकी विड्थ जो है वो मैच पेरेंट और इनकी हाइट जो है वो रेप कंटेन और सेल्फ क्लोज टैग अब ये मैच पेरेंट रेप कंटेन हम पढ़ चुके हैं उसके बाद यहाँ पे टॉप से जो है मैंने इनको मार्जिन सेट करना है फोर्टी कर देते हैं ठीक देन यहाँ पे इन पे हैं के नाम से जो प्लेस होल्डर होगा और यहाँ पे मैं कर देता हूँ काउंटर टैक्स साइज में इंक्रीज कर रहा कराऊ टेक्स साइज मैंने फोर्टी डी कर दिया ठीक है उसके बाद यहाँ पे अब बैकग्राउंड किस तरह से चेंज कर सकते हैं इस टैक्स बिल का यहाँ पे बैकग्राउंड आप जब टाइप करेंगे तो यहाँ पे बैकग्राउंड के नाम से आपको एक एंट्रीब्यूट मिलेगा तो बैकग्राउंड और यहाँ पे जो जौन सा भी बैकग्राउंड आप चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड ये सेट कर दिया अब आप सोच रहे होंगे कि, कि यार ये बैकग्राउंड क्या है ये लास्ट सेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं एट द रेट कलर ये एट द रेट कलर जो है इसका मतलब है कि ये कलर वाली फाइलें कहाँ पे रिसोर्स वैल्यूज और वैल्यूज फोल्डर के इनसाइड कलर डॉट एक्सएमएल के नाम से अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये कलर यहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट में डिफाइन कर सकते हैं ये मैंने अपना एक कलर डिफाइन किया था जो लास्ट सेशन में तो यहाँ से ये कलर गेट हो रहा है तो जब भी यहाँ से गेट होकर यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है जो भी कलर हमने दिया है तो ये कलर क्या है उस वेरिएबल की वैल्यू गेट होगा ये वेरिएबल है तो कलर चेंज हो गया टेक्स फील्ड का उसके बाद हम यहाँ पे आईडी डिफाइन कर रहे हैं आईडी क्यों डिफाइन कर हैं क्योंकि बेकेंड पे हमने इस पे काम करना है जावाक वाली क्लास पे तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ काउंटर परफेक्ट अब एक मैंने बटन बनाना है तो सिंपल यहाँ पे मैं कर देता हूँ बटन और बटन को भी मैं यहाँ पे मैच पेरेंट एंड रेप कंटेंट एंड सेल्फ क्लोज टैग कर देता हूँ बटन बन गया इस तरह से मैंने यहाँ पे बटन को भी टॉप से मार्जिन करना है थर्टी डीबी कर देते सही है और बटन पे मैंने टैक्स सेट करना है टैक्स सेट क्या करना है टैक्स मैंने कर दिया काउंटर और टैक्स साइज़ भी इंक्रीज करना है टैक्स हम साइज कर देते हैं थर्टी ठीक हो गया एक हमने बटन बनाया है बटन पे हमने टैक्स साइज जो ये टैक्स लिखा हुआ है वो हमने इंक्रीज किया है टैक्स यहाँ पे जो शो करनी चाहिए वो एक काउंटर के नाम से टॉप से मार्जिन किया है हाइट और विप उनकी सेट की है उसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं कि इनकी आईडी मैंने डिफाइन करनी है ताकि बैकेंड पे इनको भी एक्सेस कर सकूँ यहाँ पे मैंने कर दिया काउंटर के नाम से काउंटर के नाम से ऑलरेडी यहाँ पे मैं कर देता हूँ वैल्यू और ये काउंटर ठीक अब इस बटन को मैंने कॉपी पेस्ट करना है ताकि एक और बटन बन जाए और हमारा टाइम सेव हो जाए और यहाँ पे मैं इनको कर देता हूँ टेन टेन साइज नहीं बल्कि इनकी जो है वो मार्जिन मैंने टेन करना है ठीक हो गया और यहाँ पे काउंटर की जगह मैं यहाँ पे कर देता हूँ रीसेट और आई भी हम चेंज करें रीसेट दो बटन और एक टैक्स फील एडिट टैक्स अब हम आ जाते हैं बैकेंड पे तो बैकेंड पे आ जाए जावा वाली क्लास में सिंपल आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं सबसे पहले तो मैंने उन टैक्स फील के जो ऑब्जेक्ट बनाने तो पहले तो एडिट टैक्स का मैंने ऑब्जेक्ट बनाना है टी के नाम से या जो भी आप दें और उसके बाद बटन और बटन में यहाँ पे कर देता हूँ काउंटर कॉमा रीसेट ठीक तीन मेरे पास विजिट हैं तो तीनों के मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिए हैं अब ये लाइंस अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जब हम जावा में या किसी भी लैंग्वेज में जब हम प्रीमेटिव डेटा टाइप डिफाइन करते हैं तो वहाँ पे अलग अलग तरीके उनमें से सपोज़ करें इंटीजर आई ये डेटा टाइप मैंने डिफाइन कर दिया इंटीजर जे तो मुझे पता है दोनों आई और जे ए की टाइप के हैं उनकी टाइप क्या है इंटीजर तो बार बार में लिखने से बेहतर है कि मैं यहाँ पे ये यह कर सकता हूँ ठीक इंटीजर आई कॉमा जे अब दोनों की जो टाइप होगी वो इंटीजर है तो इस वजह से मैंने यहाँ पे भी वही काम किया है कि मुझे पता है दो बटन हैं तो बजाय के मैं अलग अलग ये बटन जो डिफ़ाइन करूँ मैंने यहाँ पे बटन डिफाइन किया और मैंने कहा कि दोनों की टाइप ये है और उनके ऑब्जेक्ट इस इस नाम से बनने चाहिए उसके बाद इंटीजर आई एक मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ जिनको वैल्यू मैंने असाइन कर दिए ज़ीरो अब इनका काम है सबसे पहले ऑब्जेक्ट बन गए अब हमने क्या करना है अब हमने उनकी आईडी गेट करनी है तो टी एक्स टी फाइन बाई आई डी आर डोट आई डी वैल्यू एडिट टैक्स की वैल्यू आई डी गेट हो गई उसके बाद काउंटर फाइन बाय आई डी आर डोट आई डी काउंटर देन रिसेट फाइन बाय आई डी आर डोट आई डी रिसेट ये जो वैल्यूज़ हैं या वेरिएबल है ये हमने यहाँ पे डिफाइन किए हैं ये काउंटर रीसेट वो हम गेट करें एंड पे और गेट करके कहाँ पे असाइन करें इस वाले ऑब्जेक्ट को अब मैंने यहाँ पे क्या है कि काउंटर वाले बटन पे इवेंट एक्शन जनरेट करना है तो वही तरीका है काउंटर डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर इंटर करेंगे एक कंप्लीट आपको क्या है कि फंक्शन बन के मिलेगा ये फंक्शन अब आपने कोड कहाँ पे करना है अब आपने कोड यहाँ पे करना है यहाँ पे हम अपना कोड करेंगे अब कोड हमारा क्या होगा कोड हमारा है कि हम क्या करेंगे जो आई वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसमें प्लस प्लस कर देते हैं आई जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है उसमें सिंपल हम क्या करें कि प्लस प्लस कर रहे हैं बस इसका मतलब है कि जब भी बटन पे क्लिक होगा तो ज़ीरो वैल्यू है उसमें प्लस हो जाएगा वन का मीन्स के वन का इंक्रीमेंट होगा तो वैल्यू हो जाएगी वन जब मैं दूसरी दफ़ा इस बटन पे क्लिक करूँगा तो एक और इंक्रीमेंट हो जाएगा जो टू हो जाएगा एक दफ़ा और प्रेस करूंगा एक और इंक्रीमेंट हो जाएगा जो थ्री होगा अब ये जो इंक्रीमेंट हो रहा है ये मैंने कहाँ पे सेट करना है ये मैंने सेट करना है टैक्स डॉट सेट टेक्सट कि इस वाली टैक्स फील्ड पे कौन सी टैक्स फील्ड पे यहाँ पे शो करे मुझे जब भी मैं क्लिक करूँ यहाँ पे मेरा काउंटर शो होना चाहिए तो मैंने कर दिया सेट टैक्स डबल कोटेड कॉन्किनेट और आई सिंपल ठीक कि जो भी इंक्रीमेंट हो वो इस वाली टैक्स फील्ड पे शो होना चाहिए चेक करते अब इस कोड को रन करके पहले हम इसका आउटपुट देख लेते हैं जब हम आउटपुट देखेंगे तो ये चीज़ और बेहतर क्लियर होगी तो एक दफा हम आउटपुट देख लेते एप्लीकेशन सक्सेसफुली बिल्ड हो गई है अब हमने काम किया है कि जब हम एक काउंटर वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो इस टेक्स फील्ड पे क्या होगा कि वो बताएगा कि मीन्स के काउंट करता जाएगा कितनी दफा इस बटन पे प्रेस हुआ है चेक कर लेते हैं गुड हो गया अब ये काउंट करके बताता जा रहा है तो ये अब वही काम हो रहा है जो हमने कोड किया है कि यहाँ पे वन बाय वन का इंक्रीमेंट हो रहा है और उसके बाद यहाँ पे इस वाली टैक्स फील पे सेट कर रहा है कौन सी टैक्स फील पे ही इस वाली टैक्स फील पे ठीक अब हमने रीसेट वाले बटन पे भी क्लिक करना है कि जब रीसेट वाले बटन पे कोड करना है कि इस पर क्लिक हो तो रीसेट हो जाए तो उसके लिए हमने क्या करना है हम आ जाएंगे यहाँ पे वही काम है रीसेट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर और यहाँ पे हम कर देंगे कि सिंपल के इस टैक्स फील को जो है आप क्या कर दें सेट टैक्स कर दें और नल कर दो मीन्स के यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है डबल कोटेड डबल कोटेड में कोई भी वैल्यू नहीं है ये जवाब में आप काम करते हुए आ रहे होंगे तो मैंने यहाँ पे सिंपल डबल कोटेड कर दिया और यहाँ पे कर दिया ब्लैंक छोड़ दो अब हम इसको दोबारा बिल्ड करके देखते हैं एप्लीकेशन हमारी बिल्ड हो रही है एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही है हमारे इस वाले वर्चुअल डिवाइस पे और एप्लीकेशन लॉन्च हो रही है और सक्सेसफुली एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है पहले हम काउंट करते हैं। अब हम रीसेट वाले बटन पे चेक करते हैं कि क्या वाकई वैल्यू रीसेट हो रही है परफेक्ट रीसेट हो गई परफेक्ट रीसेट हो गई तो ये तरीका है कि किस तरह से हमने एक फील्ड का बैकग्राउंड चेंज किया अब बात आती है कि हमने बटन का भी बैकग्राउंड चेंज करना है तो सिंपल तरीका है कि बटन पे हम आ जाते हैं बटन पे बैकग्राउंड जब आप लिखेंगे तो बैकग्राउंड टेन के नाम से एक प्रॉपर्टी है और यहाँ पे जौनसा भी आप कलर दें तो आप दे सकते हैं मैंने यहाँ पे ये कलर सेट कर दिया है ये सेट कर देते हैं तो ये बटन का बैकग्राउंड भी चेंज हो गया किस प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी का नाम क्या है बैकग्राउंड टेन के नाम से और ये कलर कहाँ से आ रहा है आ, टील टू हंड्रेड ये यहाँ से आ रहा है चेक करते हैं ये रहा ये यहाँ से कलर आ रहा है ये कलर कोड है उसका तो बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो बटन का तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे टेन के नाम से तो फाइनली ये हमारे जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर हो गए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़